फ्रेंड्स नमस्कार, मैं रिचा श्रीवास्तव आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है हमारा पॉलिटिकल साइंस। इसमें हमने अपना जो पहला टॉपिक लिया था वो था कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। आज हम लोग उसी अपने टॉपिक को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो देख लेते हैं कि हमने पहले की क्लास में अपना थोड़ा सा उसका रिविजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमने फ्रेंड्स पढ़ा कि हमने देखा कि ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी कि हमें अपना अलग संविधान बनाना पड़ा। इसमें कुछ ऐसे घटनाएं घटी थी, हमारे सिस्टम में बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए जिनकी वजह से संविधान को हमें अलग करना पड़ा। तो देखते हैं इसी सीरीज में कुछ हमने घटनाओं की बात की थी उसमें देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने बात की थी कि 1773 में हमने देखा कि आया एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसके बाद फ्रेंड्स इसके कुछ साल बाद हमने देखा था कि 1784 में आता है एक फिट इंडिया एक्ट। फिर देखा हमने कि 1919 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट जो था वो आया था, जिसको हमने देखा कि वो था माले मिंटो सुधार। उसके बाद फिर 1919 में हमने देखा था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। फिर जो यहाँ पे इस सीरीज में सबसे इम्पोर्टेंट एक सुधार था वो था 1935 का GOI एक्ट, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसको बोल सकते हैं क्योंकि यही एक्ट था जिसने कि हमारे भारतीय संविधान की नींव रखी, यानी कि भारतीय संविधान की नींव का काम किया। क्योंकि इस एक्ट से बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें थी जो हमारे संविधान में ले ली गई। फिर हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, जो कि कब तक चला था, 1945 तक। उसके बाद अब अंग्रेजों को इस युद्ध के बाद ही समझ में आ गया था कि हमको इंडिया को आजाद कर देना होगा। फिर उन्होंने क्या किया कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। फिर हमने देखा जब अब हमें आजादी मिल गई है तो अब हमारा क्या होना चाहिए, एक अलग संविधान होना चाहिए। अब इसी अपने जो है हम टॉपिक को यहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो है जब हमारा अब अलग संविधान होगा तो जो है उसको कैसे, मतलब कि हमारी अभी तक तो कोई संविधान था नहीं, अभी तक तो हमारा कोई भी रूल्स थे नहीं, हमारे कोई भी अधिकार नहीं थे। अब तक हम किस पे डिपेंड थे, अब तक हम अंग्रेजों पे डिपेंड थे, लेकिन अब हमारा देश क्या है, आज़ाद हो चुका है। तो अंग्रेजों ने भी कहा कि ठीक है अब हम आपका देश जो है वो छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन अब आपका क्या होना चाहिए, एक अलग आप लोग अपना संविधान बना लीजिए। क्योंकि अभी तक तो आप लोग क्या थे, हम पे डिपेंड थे, और जो भी लॉ एंड ऑर्डर्स थे वो सब किसके थे, हम पे चलते थे, अंग्रेजों के। लेकिन अब अंग्रेज यहाँ से जा रहे हैं तो अब हमको अपना एक अलग संविधान लिख लेना चाहिए। अच्छा, हमारे जो पहले की बात करें, अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो हमारे इंडिया का सबसे अच्छा समय जो रहा है वो है रहा है एशियन इंडिया के समय का, है ना। उस समय क्या था कि बहुत मतलब कि किसी भी देश ने, ज़्यादा देशों ने हमारे ऊपर क्या किया था, आक्रमण नहीं किया था। तो उसलिए क्या था कि वहाँ पे राजा महाराजा लोग जो है शासन करते थे। कौन करते थे, राजा, एशियन इंडिया की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे शासन था पहले राजा महाराजा का, और यहाँ पे न्याय कैसे होता था, तो न्याय जो था वो इन्हीं की इच्छा पर निर्भर था। किसकी, राजा महाराजा की। यहाँ पे न्याय जो था वो राजा के मूड पे डिपेंड होता था। अगर राजा का मूड अच्छा है तो कहिए आपको कोई सजा ना दी जाए, लेकिन अगर राजा का मूड खराब है तो कहिए छोटी सी जो है अपराध के लिए भी वो क्या देगा, आपको मृत्युदंड दे देगा। तो यहाँ पे इतने मतलब कि कोई हमारे हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं थे। एक तरह से कहा जाए तो हमें मतलब रूल्स करना अंग्रेजों ने ही क्या किया है, सिखाया है।
अंग्रेजों ने जाने के पहले कहा कि ठीक है अब आप अपना अलग संविधान बना लीजिए। इस वजह से अंग्रेजों ने जो है 1946 में एक मिशन को जो है वो भारत भेजा। वो मिशन कौन सा था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो था वो भारत कब आया? 1946 में। 1946 में जो है ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम थे, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? एटली जी। तो एटली महोदय ने कहा कि हम अपनी एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल को जो है वो भारत भेजेंगे, जिसका काम क्या होगा? उन लोगों का काम होगा कि भारत में सत्ता के हस्तांतरण की संभावनाओं को तलाश करना। तो इसलिए उन्होंने इसमें इस मिशन में 3 लोगों को जो है भारत भेजा। इसमें था पहले जो थे वो थे पैथिक लॉरेंस। ये जो पैथिक लॉरेंस ही हैं यही क्या है इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष है, यानी कि इनकी अध्यक्षता में ही ये मिशन जो है वो भारत आया। अब यहाँ पे जो दूसरे थे वो थे एलेक्जेंडर। और तीसरे जो इनके साथ में आए वो थे क्रिप्स। अच्छा हम देखेंगे कि ये जो क्रिप्स हैं ये एक बार पहले भी भारत आ चुके हैं। कब आए थे? ये 1942 में भारत आए थे। 1942 यानी कि तब हमारे देश में क्या चल रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तब ये जो है इन्होंने महात्मा गांधी जी को ये ऑफर दिया कि आप अगर आपका इंडिया अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी हेल्प करता है तो हम भी आगे आने वाले समय में आपकी इंडिया की बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने तब क्या किया था? इनके प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं हम आपके लालच में नहीं फंसेंगे। लेकिन तब क्या था? तब ये बात हो रही 1942 के समय की, जब ये जो है क्रिप्स आए थे, क्रिप्स लेकिन क्रिप्स मिशन लेके। अब लेकिन बात है 1946 की यानी कि कैबिनेट मिशन की। अब ये क्रिप्स यहाँ पे दोबारा आए हैं, लेकिन ये अब पहले वाले जो है मिशन के लिए नहीं आए, बल्कि अब ये आए हैं पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन के लिए। इस कैबिनेट मिशन का जो मेन उद्देश्य था वो था हमारी संविधान सभा की स्थापना करना। तो ये मिशन कब आया? ये मिशन आया 1946 में भारत आया। फिर इस मिशन ने कहा कि अब आपको जो है इन तीनों ने मिलके, यानी पैथिक लॉरेंस जी, एलेक्जेंडर और क्रिप्स, इन तीनों ने मिलके हमारे जो इंडियन लीडर्स थे उनके साथ बैठक की। और उसके बाद उस बैठक के बाद इन लोगों ने इस नतीजे पे पहुंचे कि अब भारत का आप लोग अलग संविधान लिख लीजिए, और जिसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक संविधान सभा बनाने की। तो संविधान सभा बनाने का जो विचार था वो इन्हीं लोगों ने दिया, यानी कि कैबिनेट मिशन ने ही इंडिया को दिया। अब इस मिशन के सुझाव में बनती है 1946 में हमारी संविधान सभा। अब ये संविधान सभा ही जो है वो संविधान बनाने का काम करेगी। जब संविधान सभा बनी, कब बनी? 1946 में बनी। तब जो है इसमें बहुत सारे जो है सदस्यों को शामिल किया गया। लगभग इसमें जो है 389 मेंबर्स थे जब ये बनी थी। 389 मेंबर्स थे, और ये मेंबर्स जो थे इनमें से कुछ मेंबर्स तो निर्वाचित थे और कुछ जो थे वो मनोनीत थे। इंडिया के मतलब संविधान जो हमारा संविधान है, यानी कि हमारे जो इंडिया का संविधान है उसमें कोई भी छूत पात को नहीं माना गया है, कोई भी जाति भेद को नहीं माना गया है। मतलब सारे ही सभी लोगों को बराबर इसमें हक दिए गए हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या कोई भी धर्म का हो, सबको जो है बराबर अधिकार दिए गए हैं। और इसी तरह से वो चाहे किसी भी जात का हो उनको भी सबको इसमें बराबर माना गया है। और वो चाहे किसी भी मतलब चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, इसमें सबको समान अधिकार दिए गए हैं। अब 389 मेंबर्स थे। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें
इन लोगों की, इन मेंबर्स की क्या हुई, बैठक हुई, लेकिन उसमें मुस्लिम लीग ने इसको पूरी तरह से जो है संविधान सभा के विचार को पूरी तरह से क्या कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसकी, या और तो और, वो लोग इसकी मीटिंग में भी शामिल नहीं हुए, क्योंकि मुस्लिम लीग को लग रहा था कि ये जो है संविधान को खाली हिंदुओं के फेवर में बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हमारे संविधान में सभी धर्मों को समान अधिकार दिए गए हैं। लेकिन जब इस पे जो है हस्ताक्षर हुए, तब जो है 284 मेंबर्स ही बचे जिन्होंने इस पे क्या किया, साइन किया। अब हम लोग संविधान सभा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो आप लोग को जो इम्पोर्टेंट लगे वो आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हमने देखा कि संविधान सभा कब बनी। संविधान सभा बनी थी 1946। उसके बाद जब संविधान सभा बन गई तो अब जरूरत पड़ी कि इसका संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया जाए। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो नियुक्त किया गया था वो किया गया था BN Rao को। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन, BN Rao। ये तो हो गया इसके संवैधानिक सलाहकार के बारे में बात। अब यहाँ पे इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ, किसका, संविधान सभा का, देखते हैं कि वो कब होता है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में जरूर आता है, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ 9 दिसंबर 1946 में। क्या हुआ इसका प्रथम अधिवेशन। और अब क्या है, यहाँ पे इसका अस्थाई अध्यक्ष जो है वो चुन लिया गया। तो इसका अस्थाई अध्यक्ष किसको चुना गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक होती है। और इसमें जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका क्या चुना गया, स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो हमने देखा कि संविधान सभा कब बनी हमारी, 1946 में, दिसंबर 1946 में। उसके बाद इसका संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया, BN Rao जी को। फिर इसका प्रथम अधिवेशन हुआ, कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, इसका प्रथम अधिवेशन होता है। अब क्या हुआ, इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। फिर जो है 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। फिर इसी सीरीज में हम आगे देखेंगे कि अब 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा में जो है वो नेहरू जी ने
एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है, किसने, हाँ, एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया नेहरू जी ने, जिसको हम लोग कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव ये किसने पेश किया था? ये किया था नेहरू जी ने। एक तरह से हम देखें कि इस उद्देश्य प्रस्ताव को ही जो है संविधान की ये जो है इसको आधारशिला मान लिया गया है। क्या मान लिया गया है? इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की ये है आधारशिला। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक बनती है प्रारूप समिति। क्या बनाई जाती है? प्रारूप समिति। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इसमें कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। और ये किसकी अध्यक्षता में बनी थी? भीमराव अंबेडकर जी की। ठीक है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हम देखेंगे कि हमारे संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई। तो आखिरी बैठक जो होती है वो होती है 24 जनवरी 1950 को। क्या हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक। और फिर इसी बैठक में 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति भारत का चुन लिया गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, भारत के राष्ट्रपति भी चुन लिए गए। कब? 24 जनवरी 1950 को। लेकिन हमारा संविधान जो बनके तैयार हो गया था वो कब तैयार हो गया था? वो जो है पहले ही तैयार हो चुका था। यानी कि 26 नवंबर 1949 को इस दिन जो है संविधान वो पूरी तरह से बनके तैयार हो गया। ठीक है, लेकिन अब वो लागू कब हुआ? इसकी अंतिम बैठक के बाद, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। अब इस दिन क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत जो था वो पूरी तरह से पूर्ण गणतंत्र बन गया। और इस दिन हमारा क्या हुआ, संविधान लागू हो गया। और अब हमारा भारत जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है और उसके पास अपना एक संविधान है। तो अब अपनी इस क्लास में हम लोग को जो है यहीं पे खत्म करते हैं। और अपने आगे क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा, वो हम पढ़ेंगे अब संविधान के स्रोत। तब तक के लिए धन्यवाद।